जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आपको IVF की प्रोसेस कराने के बाद क्या फूड डाइट रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडर IVF सेंटर सूरत से प्रसूति निशुल्क। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनको लेके बहुत सारे कपल्स टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद, एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आपको IVF की प्रोसेस कराने के बाद क्या फूड डाइट रखना चाहिए। जब आप एक एंग्शियस फेस में होते हो, जब आपने टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रांसफर कराया है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया है और रिजल्ट के 15 दिन हैं, तो ये 15 दिन किसी भी कपल के लिए एक मेंटली स्ट्रेसफुल रहते हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूसली ये सोचते हैं कि क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि आप किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना रखें, मेंटली फ्री रहे, और खाने में क्या क्या आप खा सकते हैं इनके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है और 3 से 4 घंटे तक आपको लिटाए रखने के लिए कहा जाता है, उन 3 से 4 घंटों के बीच आप पानी पी सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, अगर आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खा सकते हैं। ज्यादा हैवी आपको खाना नहीं है, ज्यादा आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। 3 या 4 घंटे के बाद जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, तब आपको बहुत सारी हॉर्मोन्स की टैबलेट्स, इंजेक्शंस या जेल दिए जाते हैं जो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट क्यों ज़रूरी है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट जो गर्भाशय की दीवार में फलित होता है, उसको मदद करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। इस प्रोजेस्टेरोन की साइड इफेक्ट होती है कि वो आपकी आंतड़ियों की जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टाइसिस है, वो कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लॉटिंग होता है, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन रहता है, आपको पेट फूला फूला सा लगता है, खाने का मन नहीं करता है। ये सब चीज़ें हॉर्मोनल सपोर्ट जो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उनकी वजह से होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहे, इसके लिए हम ये सपोर्ट तो कम नहीं कर सकते, पर आप खाने में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप रूटीन, अब तक घर में जो भी आप खाते थे वो चीज़ आप खा सकते हैं। ज़्यादा तली गली चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मसाले वाली, गर्म मसाले वाली चीज़ें आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना तला हुआ या मसाले वाला आप खाएंगे, उतना ज़्यादा आपके इंटेस्टाइन में वो फूड रहेगा, पेरिस्टाइसिस कम होगा, आपको उतना ज़्यादा इंडाइजेशन होगा। आप जो भी मील्स लें वो फ्रीक्वेंट 2 to 3 hours पे लें, एक साथ सारी चीज़ें मत खाइए। अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप 1.5-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा सा खाना लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपको उतना ज़्यादा यूरिनेशन होगा और आपका बॉडी उतना डिटॉक्सिफाई होगा। हम चाहेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा रहे और जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो वॉश आउट हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को रखें, फ्रीक्वेंट 2 to 3 hours में मील्स लें। मील्स में आप क्या क्या ले सकते हैं। जब टेस्ट ट्यूब बेबी में ट्रांसफ़र किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हमारे घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कुछ ठंडक वाली चीज़ें खाइए, जैसे गोंद की बनी हुई कोई चीज़ें खाई, बनाना खाए। जो भी अभी तक आप खा रहे थे अपना डाइट वैसा ही रखिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, सीजनल फ्रूट, उस सीज़न में जो जो फ्रूट्स अवेलेबल है वो आप रोज़ की 2 से 3 serving फ्रूट्स की ले सकते हैं। हर 2-3 घंटे में पानी पिए, कम से कम 2 to 3 liters ऑफ वाटर डेली इंटेक रखिए। खाने के बाद बैठिए मत, खाने के बाद थोड़ा सा टहलिए, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग नहीं होगा। आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद से उल्टियां शुरू नहीं होंगी, उल्टी शुरू होने के लिए 15 से 20 दिन लगेंगे अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। आपको जो इनडाइजेशन है वो मेनली टैबलेट्स और इंजेक्शन या जेल्स की वजह से होता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर उसमें कोई डोज चेंज कर सकते हैं या टाइमिंग चेंज कर सकते हैं तो आपके डॉक्टर वो आपकी टाइमिंग चेंज करेंगे, पर कभी भी ये अपने हिसाब से मत करिए, हमेशा पहले कंसल्ट करिए किसी डॉक्टर का। खाने पीने में बने उतना ज़्यादा विटामिन सी लीजिए, बिकॉज वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। साथ में फॉलिक एसिड लीजिए, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लीजिए, जिसकी वजह से अगर आपको खाना ना भी पसंद आए तो भी आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल स्टोर कम ना हो। खाने के बाद
कंपलसरी 15-20 मिनट्स वॉक करिए, स्लो वॉकिंग करिए, आपको एक्सरसाइज या एकदम से ब्रिस्क वॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एंटासिड कुछ ले सकते हैं, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर को या एम्ब्रियो को नुकसान नहीं करेगा, पर कंसल्टेशन के बाद ही कोई और मेडिसिन शुरू कीजिए। अगर आप लोग आईवीएफ के साथ साथ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि वो स्टॉप कीजिए, किसी एक ही फील्ड की मेडिसिन लीजिए। अगर आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया है तो आई वुड प्रेफर कि आप एलोपैथिक मेडिसिन ही लीजिए, दूसरी मेडिसिन का मिक्सचर्स उसके साथ न करिए, बिकॉज उसका इफेक्ट फिर अच्छा है या बुरा है उसके बारे में हम कह नहीं सकते। खाने पीने को लेके आपको अक्सर कहा जाता है कि आलमंड्स मत लीजिए या केसर मत लीजिए, ये सब चीज़ें गर्म पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नट्स कंपलसरी लेना है, आप रोज़ का आलमंड है या भिगोई हुई काली द्राक्ष बोलते हैं वो ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं। आपकी बॉडी अब तक जिन जिन फूड्स को एक्सेप्ट कर पाती थी वो सारे फूड्स लें। बाहर का प्लीज़ मत खाइए, क्योंकि बाहर किस एटमॉस्फेयर में खाना बना होता है, कैसे वो लोग बनाते हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, ये हमें नहीं मालूम होता है। और अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको इन्फेक्शन लग जाए और आपको हैवी डोजेज लेने पड़े तो हो सकता है कि हमारे आईवीएफ के रिजल्ट पे इफेक्ट आए और रिजल्ट हमें जो चाहिए वो ना भी मिले। घर में रहिए, घर का खाइए, रूटीन अपनी लाइफ जिए, अभी तक जैसा फूड आपको पसंद आता था वैसा लीजिएगा। और अगर इसके इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और कोई भी ज़्यादा प्रश्न है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख भेजिए। थैंक यू।